आज हम लोग सेंटा केक बनाने वाले हैं और आज का ये केक आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप लोग भी ये केक अपने बच्चों के लिए बनाइएगा और उन्हें सरप्राइज़ दीजिएगा। आई होप इस बार सेंटा जब आपके घर आए तो आपके और आपके बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो फ्रेंड्स, मैं दीपा एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ और चलिए अब हमारा प्यारा सा सेंटा केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस बनाने के लिए मैंने वेनिला फ्लेवर का केक मिक्स लिया है और ये है बेटी क्रॉकर कंपनी का, तो इसी से आज मैं बेस तैयार करने वाली हूँ और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाकर इसे परचेज कर सकते हो। अब ये जो केक मिक्स का पैक है इसमें से मैं हाफ ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं छोटे साइज का ही केक बनाकर तैयार करूँगी। आप लोगों को बड़ा केक बनाना है तो आप पूरा का पूरा पैक इसमें यूज कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे 30 ml ऑयल और 125 ml डालना है हमें इसमें पानी और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। और बैटर तैयार करते टाइम हमें इसमें हल्के हाथ का ही यूज करना है, हमें इसे बहुत ज़्यादा फैटना नहीं है। और ये बैटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब लिया है मैंने एक केक टिन, इसके अंदर मैंने वाटर पेपर लगा दिया है। अब ये बैटर इस केक टिन के अंदर डाल देंगे और इसे 3 से 4 बार डैप डैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो सारे के सारे निकल जाए। अब मैं इसे प्री हीट ओवन में बेक करूंगी 30 से 35 मिनट के लिए। और ये केक बेक हो चुका है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम, तो मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया है और ये व्हिपिंग क्रीम हम इस केक के ऊपर चारों तरफ लगा देंगे। इसके चारों तरफ भी लगा देनी है और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से हमें व्हिपिंग क्रीम लगा देनी है और इसे एक परफेक्ट शेप दे देनी है। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो शेप में आ चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर सेंटा बनाएंगे जो कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो आप एक स्केल लीजिए या फिर अपने स्पैचुला की हेल्प से इसके ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन लगा देनी है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ वीडियो में आप ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपको भी लाइन लगानी है। अब इसी लाइन के ऊपर कॉर्नर की साइड में हमें फिर से इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। और अब मैंने पाइपिंग बैग के अंदर व्हिपिंग क्रीम डाल ली है, इसकी हेल्प से हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे। तो हमें फ्लावर की भी दो ही लाइनें निकालनी हैं और जो ऊपर की साइड लंबाई में लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक ही बनाकर तैयार करनी है। अब वाइट के ऊपर हमें रेड कलर के फ्लावर बनाने हैं, तो नोज़ल तो आपको वहीं रखनी है, बस व्हिपिंग क्रीम के अंदर हल्का सा रेड कलर मिला लेना है। और इस तरह से हमें सबसे पहले सेंटा की कैप बनाकर तैयार करनी है। और ये इसकी कैप हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमें नोज़ल चेंज कर लेनी है और सेंटा की दाढ़ी बनानी है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें इसे राउंड राउंड में इसके ऊपर फ्लावर बना देने हैं और इस तरह से फ्लावर बनाते हुए हम सेंटा की दाढ़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो नोज़ल का साइज बड़ा होना चाहिए और लाइनिंग के डिज़ाइन वाली नोज़ल होनी चाहिए, इससे आप लोग इसकी दाढ़ी बनाओगे। और अलग डिज़ाइन में आप लोगों ने इसकी दाढ़ी बनाई तो वो अच्छी नहीं बनेगी। अब जहाँ जहाँ स्पेस रह जाता है वहाँ वहाँ पे आप इसकी डॉट लगा दीजिए, स्पेस रह जाएगा तो ये अच्छी नहीं लगेगी इनकी दाढ़ी, तो इसे आप डॉट से भर दीजिए। अब इसकी आईब्रो बनाएंगे और ये देखिए मैंने इनकी आईब्रोज भी बना दी है। अगर आप लोगों से डायरेक्ट नहीं बनती है तो आप लोग पहले हल्का टूथपिक से इसे स्केच कर लीजिए, बाद में आप इसकी आईब्रो बना सकते हैं। और अब बनाएंगे इनकी आईज़, तो इसके लिए मैंने ब्लैक किशमिश का यूज किया है। आपके पास ब्लैक किशमिश नहीं है तो आप यहाँ पर काली मिर्च का यूज़ कर सकते हो या फिर चॉकलेट को मेल्ट करके कीप में डाल के उससे भी इनकी आँखें बना सकते हो। और अब इनका बनाएंगे नोज़, और ये मैंने लाइट पिंक कलर का इनका नोज़ बनाया है। अगर मैं वाइट नोज़ बना देती तो वो दाढ़ी के अंदर नज़र नहीं आता। और इसे अपने हाथ से थोड़ा सेट कर दीजिए।
अब ये जो लाइट पिंक कलर की व्हिपिंग क्रीम है, इसी की हेल्प से हम इसके साइड में डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लंबी लाइनिंग लगा रही हूँ। आप लोग इसके ऊपर डिज़ाइनिंग अपनी मर्जी से बना सकते हो और इसके साइड में कलर भी आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। तो पहले हमें इस तरह से इसे लाइनिंग से कंप्लीट कर देना है और इसके बाद में हम बनाएंगे इसके नीचे बाउंड्री। तो उसी नोज़ल की हेल्प से और उसी कलर से मैं इसके नीचे एक बाउंड्री बना दूंगी। और ये हमारे सेंटा लगभग बन चुके हैं और सेंटा का केक बनाना काफ़ी आसान है। आप लोग भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। चलिए अब इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स लगाते हैं। तो मैंने अलग अलग स्प्रिंकल्स ले लिए हैं। तो इन स्प्रिंकल्स से हम लोग इनकी कैप को डेकोरेट करेंगे और इस केक के नीचे बाउंड्री में लगाएंगे। वैसे इसकी डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये इसकी डेकोरेशन कर ली है और इसके ऊपर की साइड में जो भी थोड़ा बहुत स्पेस बचा है इसकी कैप के अंदर, उसे हम लोग कवर कर देंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस केक के अंदर कहीं भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, चाहे आप इसकी केप बनाओ चाहे आप इनकी दाढ़ी बनाओ। अब साथ में ही मैंने एक चॉकलेट कटरी बना लिया है और इसे व्हिपिंग क्रीम से डिज़ाइन कर लिया और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। अब इस ट्री को हम लोग जो सेंटा की कैप है उसके ऊपर साइड में सेट कर देंगे। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा सेंटा का केक बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये क्रिसमस केक पसंद आया है और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस।